आदिवासियों के डिलिस्टिंग की मांग को लेकर नागपुर में महामिलावा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में आदिवासी भाई शामिल हुए थे। डिलिस्टिंग क्या है, क्यों ये होना चाहिए, इसका फायदा आदिवासियों को क्या होगा या नुकसान होगा, इन सभी सवालों को लेकर एनबीसीएन ने समाज के अध्यक्ष संतोष सुरवे से बात की है। देखते हैं उनका क्या है कहना। डीलिस्टिंग को लेकर आज हजारों आदिवासी भाई जो है नागपुर आए हैं, सकरदरा के राजघाट पर जमा हुए थे ये सभी लोग ईश्वर देशमुख सभागृह में, या इस ईश्वर देशमुख ग्राउंड पे इसका बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि डीलिस्टिंग है क्या और किस लिए ये ज़रूरी है या क्या इसके पीछे का कारण है। सबसे पहले तो आप डीलिस्टिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताइए। ये डीलिस्टिंग एक वो प्रोग्राम है जो मतलब राजनीति में जो बीजेपी है या वनवासी कल्याण आश्रम है उनके माता जो काम करते हैं, जनजाति, क्या नाम है वो मंच का, जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति सुरक्षा मंच, ये इन्होंने ये डीलिस्टिंग का प्रोग्राम लगाया हुआ है। तो इनके हिसाब से, इनके कहे हिसाब से कि जो ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजाति जिनको लोग आदिवासी भी बोलते हैं, जो क्रिश्चियन बने हुए हैं, मुसलमान बने हुए हैं, उन्हें उस अनुसूची से, मतलब एसटी ट्राइब किस अनुसूची से बाहर किया जाए, ये उनका मुद्दा है। तो सिर्फ क्रिश्चियन बने हैं उनके लिए ये डीलिस्टिंग है या फिर मुस्लिम बने हैं उनके लिए ये डीलिस्टिंग है, क्या क्या सभी के लिए या बाकी सभी धर्म के लिए डीलिस्टिंग लागू की गई है, क्या मुद्दा है? अब देखिए, जहाँ तक कि कन्वर्शन की बात है, धर्मांतरण की बात है, तो यहाँ का ट्राइब जो था आज़ादी के बाद से फ्री लॉन्च था, मतलब इसके साथ कोई बैनर, कोई लेबल नहीं था रिलीजन का। तो हुआ ये कि ये फ्री लॉन्च था, ये कहीं पे भी जा सकता है, कहीं भी ये हो सकता था। तो इसको जहाँ रास्ता मिला या जहाँ उसको गुमराह किया गया वो गया। तो बहुत से जो हमारे ट्राइब्स लोग हैं क्रिश्चियन बन गए, मुसलमान बन गए और हिंदू भी बन गए, और हिंदू भी बन गए, क्योंकि कैसे संविधान में जो संविधान जो है, संविधान की जो अनुसूची है या जो रूढ़ी प्रथा है हमारी, वो ट्राइब्स को हिंदू भी नहीं मानती है। जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 ऐसे जजमेंट है, मेरे पास उसकी कॉपी है अभी, 10 से 12 जजमेंट ऐसे है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं कि वहाँ ये देश का जो हिंदू है, देश का जो ट्राइब्स है, ये किसी भी रिलीजन में नहीं आता, ये हिंदू भी नहीं आता, हिंदू की आईपीसी इस पर लागू नहीं होती, ऐसे उनके जजमेंट है। तो उस परिस्थिति में कि सिर्फ मुसलमानों को निकालो, क्रिश्चियनों को निकालो, ये बात आधी अधूरी रह जाती है, ये डीलिस्टिंग पूरी नहीं है। यदि सच में डीलिस्टिंग के मायने यदि हमें पूरे करने हैं, तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो क्रिश्चियन बने हुए, जो मुसलमान हुए और जो हिंदू भी बने हुए हैं, उन सबको उस अनुसूची से बाहर किया जाए, इस तरह से डीलिस्टिंग हो सकती है। तो ये डीलिस्टिंग है क्या, क्या इसमें प्रावधान थे, क्या बातें कही गई है डीलिस्टिंग के कानून में? देखो, डीलिस्टिंग के कारण में, डीलिस्टिंग करने का वो जो मुद्दा बोल रहे हैं कि इनकी रूढ़ी प्रथाएं ख़त्म हो चुकी है, हम ट्राइब्स लोगों की जो रूढ़ी प्रथा है, हमारी जो पहचान है, वो ख़त्म हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये क्रिश्चियन बन गए हैं, ये मुसलमान बन गए, तो फिर भाई इन्हें हमें एसटी का फ़ायदा हम इनको क्यों दें, उनका ये कहना हो रहा है। लेकिन जबकि संविधान में जैसा है कि धर्म जो है आपकी और हमारी बहुत निजी भाव है धर्म। देखो, दो चीज़ें हैं, एक संविधानिक व्यवस्था है देश में जी दी हुई, जो एसटी, एससी और ओबीसी, एक ही संविधानिक व्यवस्था है, और दूसरी एक व्यवस्था है जो आप लोग मानते हैं, जैसे आपका अपना अपना अलग धर्म है, मेरा अलग धर्म है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो मुसलमान भी बने हैं, लेकिन यदि वो चूँकि एसटी में है तो एसटी में है, क्योंकि वो उसका मूलभूत अधिकार है। जब तक कि कुछ नया नहीं बन जाता, तब तक वो देश के नागरिक होने के नाते, वो मुसलमान बने, हिंदू बने, कुछ भी बने, वो एसटी का व्यक्ति है, और वो एसटी के जनसंख्या के अनुपात में ही जो राष्ट्र का जो बजट है एसटी का, मतलब आदिवासियों का, वो बनता है। तो इसलिए वो इस तरह की डीलिस्टिंग करना, बोलो तो जो अनुसूचित जनजमाती है, जो ट्राइब्स है, उनके बजट पे उसका खतरा आ सकता है, उनके संख्या पे, संख्या के अनुपात में उसका खतरा आ सकता है, इसलिए ये डीलिस्टिंग अधूरी है। तो आपको क्या लगता है, डीलिस्टिंग अगर हुआ तो इसका आदिवासी भाइयों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जिस तरीके से ये डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी जो मांग है, इस तरह से यदि डीलिस्टिंग होता है तो उससे हमारा नुकसान ही होगा, क्योंकि हमारी संख्या नेशनल लेवल पे हमारी संख्या कम हो जाएगी। जैसे संख्या के अनुपात में हमें एसटी होने के नाते रिजर्वेशन मिला हुआ है, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, रिजर्वेशन इन सर्विस है। तो डीलिस्टिंग होता है तो हमारी जो संख्या है वो एकदम से घट जाएगी, उससे हमारा बजट भी घट जाएगा, सांसद की सीटें भी घट जाएगी, विधायक की सीटें भी घट जाएंगी, नौकरी की सीटें भी अपने आप
घट जाएगी, तो इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। पर डीलिस्टिंग की तो मांग की जा रही है, सभी लोग बोल रहे हैं कि डीलिस्टिंग होना चाहिए। हाँ, डीलिस्टिंग की मांग हम भी कर रहे हैं, आज कुछ हमारे ट्राइबल संगठन भी राष्ट्रीय स्तर पर डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, और साथ साथ में उसकी मांग वो ये भी कर रहे हैं कि आज़ादी से पूर्व हमारा जो कॉलम था ट्राइबल रिलीजन का, अभी मेरे साथ में वो कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आज़ादी से पहले हमारा जो कॉलम था जिसमें हमारा सेंसिस होता था, जिसमें हमारी जनगणना होती थी ट्राइबल रिलीजन में, तो हमारी जनगणना वो ट्राइबल रिलीजन में की जाए, ऐसे हमारे लोगों की मांग है। तो यदि वो इस तरीके से होती है तो ये सही तरीके से जा सकता है, और यदि हम सिर्फ मुसलमान या क्रिश्चियन इनको लेकर ये बातें करते हैं तो वो काम आधा अधूरा रहता है, मेरा ये कहना है। सर, जो आरक्षण के फायदे हैं वो तो जाति को देख कर दिए जाते हैं जो मिल रहे हैं, मगर इसमें धर्म का जो आप जोड़ रहे हो तो वो कैसा? देखिए, अलग अलग कारणों से आरक्षण दिया गया हुआ है। एससी का पिछड़ेपन के लिए दिया गया था, ठीक उसी तरह से जो एसटी का जो आरक्षण है, उनकी जो अलग रहन सहन, उनके अलग देवी देवता, उनकी अलग मान्यता, उनकी अलग रूढ़ी और उनका अलग शेड्यूल एरिया, इस कारण उनको दिया गया था, ठीक है। अब हुआ क्या, तो अलग अलग किस लिए दिया था ना, हमें क्यों मिला है, एसटी को क्यों मिला, जितनी भी आज अनुसूची मतलब जो यहाँ मोर्चे में भी आए होंगे, जो रैली में भी आए, ये बात जनजाति में आए, उनके लिए ये भी बात है, भाई हमें क्यों दिया है, हम हमारी बात करें, हमें क्यों दिया है कि वह हमारी अलग भाषा थी, हमारी अलग रूढ़ी प्रथा थी, हमारा अलग रहन सहन था, हमारी अलग धार्मिक मान्यताएँ थी, है, हम प्रकृति पूजक थे, हम प्रकृति पूजक है, हवा पानी जल जमीन जंगल की पूजा करते हैं, तो हमारा अलग रहन सहन होने के कारण, हमारी अलग आइडेंटिटी होने के कारण वो हमें मिला है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि क्रिश्चियन बनने से उनकी वो आइडेंटिटी खत्म हो गई, हम मान लेते हैं कि मुसलमान बनने से भी उनकी वो आइडेंटिटी खत्म हो गई, भाई लेकिन वो आइडेंटिटी हमारे हिंदू बनने के कारण भी खत्म हो रही है ना। हम जनजाति समूह की, हमारे समाज की, हिंदू धर्म को फॉलो करने से भी तो हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी पहचान खत्म हो रही है ना। तो आपका कहना है कि कोई धर्म का कवर ना चढ़ाया जाए, कोई धर्म का कवर ना चढ़ाए, यहाँ का अनुसूचित जनजाति समाज या प्रकृति पूजक है, यह प्रकृति को फड़ा पेन पैसा पेन नाम से पूजता है, सिर्फ प्रकृति को पूजने का विधान है, हवा पानी जल जमीन जंगल की पूजा करता है, और जिन्होंने उनको लाया इस सृष्टि में, जैसे हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, पुरखाओं को पूछता है, वो सिर्फ अपने पुरखाओं को पूछता है, अपने माँ बाप को पूछता है, और जो गंडोदाई मतलब जो प्रकृति उनको पालती है वो उनको पूछता है, उसके व्यतिरिक्त किसी फोटो की पूजा नहीं की जाती, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा का प्रावधान अनुसूचित जनजाति जमातियों में नहीं है। आपने कहा कि उनके अनुसार अगर डीलिस्टिंग किया गया तो जो समाज है, गोंड समाज या आदिवासी समाज है, उनका नुकसान होगा, तो आप किस तरह का डीलिस्टिंग चाहते हो जिससे जो समुदाय है आदिवासी समुदाय उनका फायदा ही हो? देखिए, डीलिस्टिंग यदि इनको करना ही है, इनको सच में यदि मतलब आदिवासियों की, ट्राइब्स लोगों की पहचान को जिंदा रखना है, उनके इतिहास को जिंदा रखना है, तो जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि उनका डीलिस्टिंग करो, मुसलमान जो बने, हमारे मुसलमान भाई जो बने, क्रिश्चियन भाई जो बने, फिर आपको इनको डीलिस्टिंग जो हिंदू बने उनका भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मेरे पास में ये एक कॉपी है, ये अंग्रेज़ों की पहले की है, जब अंग्रेज थे उनके ज़माने का। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वह 1871-72 में हमारा रिलीजन कोड क्या था, अबोरिजिनल था। देखो, 30 साल अबोरिजिनल चला है ना, अंग्रेजों के ज़माने में 30 साल अबोरिजिनल चला, फिर बाद में एनिमिस्ट चला, फिर बाद में जो है वो ट्राइबल रिलीजन चला, और आज़ादी के बाद हमारी पहचान को, हमारे अस्तित्व को जानबूझ के ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये सारे कॉलम बंद करते हुए हमारा कॉलम में हटा दिया। जो सेंसस में हमारा कॉलम था जिसमें हमारा धर्म डाला जाता था, वो कॉलम में इन्होंने हटा दिया, और आज़ादी के बाद 1951-52 की जो गणना हुई उसमें इन्होंने हमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स कर दिया। मतलब धर्म का कॉलम हट जाने के कारण, हमारे आइडेंटिटी, हमारा इतिहास, हमारी पहचान पूरी तरह मिट जाने के कारण ये लोग फ्री हो गए। फिर इन्हें जैसा चाहे वैसा लोगों ने बनाना चालू किया, लोगों ने इनको हिंदू बनाया, लोगों ने मुसलमान बनाया, और बाकी लोग जो है वो क्रिश्चियन बन गए, हिंदू बन गए, ये चीज़ हुई। तो आप कैसा डीलिस्टिंग चाहते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। यदि इन्हें डीलिस्टिंग करनी है तो जो क्रिश्चियन बने उनका भी करना चाहिए, जो मुसलमान बने उनका भी करना है चाहिए, और जो बाकी के जो ट्राइब्स है जो अपने रिलीजन को न फॉलो करते हुए हिंदू रिलीजन को, क्रिश्चियन रिलीजन को और मुसलमान रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनका भी डीलिस्टिंग होना चाहिए। यानी किसी भी धर्म का कवर नहीं चढ़ना चाहिए। जो प्रकृति को मानते थे, जो पूजा अर्चना थी पहली गोंडी समाज की, वही रहनी चाहिए। और हमारा जो ट्राइबल रिलीजन का जो कोड था, जो सेंसेस था, जो कॉलम था, उसे बहाल करना चाहिए।
ताकि सारे जो देश भर के जो ट्राइब्स है उनको ट्राइबल रिलीजन के तहत हम उनका काउंटिंग कर सकते, ताकि उनका सही आंकड़ा सही फिगर जो है वो सामने आएगा कि देश में ट्राइब्स कितना है। तो अभी कितना है और डीलिस्टिंग के बाद उसका क्या परिणाम होगा? देखिए अभी तो पूरा जो अनुपात में जो जनसंख्या है भारत की उसका 15% अनुपात माना जाता है, 15% भी लिया है तो 30 से 35 करोड़ जो है ट्राइब्स समाज है। किंतु प्रॉब्लम यह है कि ये जो जैसे अपन बोल रहे हैं बार बार उसी विषय पे घूम के जा रहा है कि इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होने के कारण, क्रिश्चियन मुसलमान और हिंदू बन जाने के कारण इनकी अपनी कोई पहचान बची हुई नहीं है। अभी संविधान में जो एसटी का एक कॉलम चल रहा है शेड्यूल ट्राइब्स, उसके हिसाब से ये काम चल रहा है, उसके हिसाब से संविधानिक की सांसद की सीटें, एजुकेशन का रिजर्वेशन और तुम्हारा जो भी कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट के वो एसटी के सूची के कारण चल रहे हैं। डीलिस्टिंग की मांग काफ़ी सालों से है, मगर आदिवासी भाइयों का यही कहना है कि डीलिस्टिंग तो होनी चाहिए मगर उसे किसी भी धर्म का कवर नहीं चढ़ना चाहिए। डीलिस्टिंग अगर करनी है तो सभी धर्मों के कवर आदिवासियों से हटाने पड़ेंगे, तभी सही मायनों में जो है डीलिस्टिंग हो पाएगी। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।